जैसे कि हमारे पास है NH2 कनेक्टेड यहाँ पे, और एक बार हमारे पास NH2 कनेक्टेड है यहाँ पे। लास्ट क्लास का ही शायद ये क्वेश्चन है ना, उसी को रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा फास्ट। पहले इन दोनों में अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमसे पूछा है कि फर्स्ट कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है कि सेकंड कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। एक्चुअली कार्बोकेटाइन दे देगा वो कि विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। तो हमेशा इस तरह के जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो कभी भी हम एक कॉमन जो पार्ट होता है ना उसको कंपेयर नहीं करते। कॉमन पार्ट जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये रिंग और ये कार्बोकेटाइन इसमें भी है और इस वाले कंपाउंड में भी है, ठीक है। कि यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका, कार्बन का, वो रिंग में दोनों केस में क्या है, रेजोनेंस में इसके साथ, ठीक है। तो इस कॉमन पार्ट को हम यहाँ पे क्या है, कंपेयर ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस किसका है, तो यहाँ पे डिफरेंस है सिर्फ NH2 का, और सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, वो भी उसकी क्या है, पोजीशन डिफरेंट है, ठीक है। ये वाली पोजीशन इसकी बोलते हैं अपन ऑर्थो, ये बोलते हैं इसकी मेटा, और ये बोलते हैं इसकी पैरा, ठीक है। तो एक बार हमारे पास पैरा पे कनेक्टेड है और एक बार हमारे पास कहाँ पे कनेक्टेड है, मेटा। दूसरी बात, अब हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि अच्छा, जो NH2 होता है इसके ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है। इसके ऊपर क्या है, लोन पेयर है। अब अगर इसके पास लोन पेयर है तो प्लस एम कर सकता है, यहाँ पे प्लस एम करेगा क्योंकि यहाँ पे पैरा पोजीशन पे है। ये प्लस एम यहाँ पे नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, मेटा पोजीशन पे, क्योंकि मीजोमेरिक इफेक्ट मेटा पोजीशन पे वर्क ही नहीं करता। ये अपन पढ़ चुके हैं लास्ट टू क्लासेस में। तो अगर यहाँ पे प्लस एम से अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, तो ये देखो एक बात तो हमें समझ में आ रही कि अगर ये लोन पेयर यहाँ से जा रहा है तो इसका कुछ पार्ट इस कार्बोकेटाइन को भी मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि कार्बोकेटाइन के पास, इस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था और उसके पास इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, तो उसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे कम। अब यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ये लूज कर नहीं रहा ना, इलेक्ट्रॉन तो ये लूज कर नहीं रहा, बट दूसरा काम हो रहा है यहाँ पे। कार्बन और नाइट्रोजन में हम क्या जानते हैं, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अब तक तो याद हो गया होगा आपको कि लेफ्ट टू राइट हम जब जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इस तरह से इंक्रीज होगी, ठीक है। तो कार्बन की ज्यादा है नाइट्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट करेगा, कौन, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये अपने लोन पेयर तो डोनेट नहीं कर रहा, ऑल दो ये क्या काम कर रहा है कि यहां से इलेक्ट्रॉन ये अपनी ओर शिफ्ट कर रहा है। अब एक बात हमें समझ में आ रही कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से शिफ्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे। यानी कि अगर कार्बन से और इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो कार्बन पे पहले से पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और फर्दर इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट होंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, यस। तो फर्स्ट वाले कंपाउंड में हम देख पा रहे हैं कि चार्ज क्या है, डिक्रीज हो गया, और सेकेंड वाले कंपाउंड में चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ये हम कहीं बार पढ़ चुके हैं क्या, कि जो चार्ज अगर इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। स्टेबिलिटी क्या हो गया यहाँ पर, डिक्रीज हो गया। तो फर्स्ट और सेकंड में हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू सेकंड वन, ठीक है। तो सबसे एक बेसिक सा एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे इसमें से क्वेश्चन करते हैं अभी, तो यहाँ पे हमने कंपेयर किया कि मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक इफेक्ट वर्कआउट नहीं करता। सेकंड, सेम क्वेश्चन को अगर हम कंसीडर करते इस तरह से, सब कुछ सेम है यहाँ पे, कार्बोकेटाइन की जगह सिर्फ यहाँ पे क्या है बेटा, कार्बन अनायन है इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो इफेक्ट है वो सारे के सारे सेम ही रहेंगे बेटा, यहाँ पे भी इसका ये वापस से क्या करेगा, ये प्लस एम ही करेगा, है ना, भले इस पे नेगेटिव चार्ज है। और यहाँ पे ये क्योंकि मेटा पोजीशन पे है तो वापस से क्या करेगा, अपना माइनस आए करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये प्लस एम कर रहा है और यहाँ पे माइनस आए कर रहा है। अब पिछले वाले केस में क्या था कि इस वाले जो कार्बन था, ये फर्स्ट वाला, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, अभी तो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब ये देखो जैसे इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो घूमते फिरते इसके पास पहुंचेंगे कार्बन के पास, तो इसके पास पहले से एक्सिस में इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास पहले से एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है,
अच्छा जब नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो इसके पास एक्सिस वाला अमाउंट और ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं इसका जो चार्ज है ज्यादा इंक्रीज होगा। यस, इस वाले केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन तो लूज नहीं किए नाइट्रोजन ने, एक्चुअली ये इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट कर रहा है। अगर कार्बन से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो कार्बन का जो एक्सिस अमाउंट था वो किसकी तरफ शिफ्ट हो रहा है, धीरे धीरे नाइट्रोजन की तरफ। तो कार्बन का जो एक्सिस अमाउंट है, जो नेगेटिव चार्ज हो, क्या होगा, कम। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यू टू माइनस आई इसका चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, कम। और चार्ज कम होने पे स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे ए और बी में अगर हमसे पूछा जाए तो स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी, इस केस में बी की ज्यादा हो जाएगी किससे, ए से। इससे जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, ए का स्टेबिलिटी, फर्स्ट का स्टेबिलिटी क्या था, ग्रेटर था टू से। यहाँ पे जस्ट रिवर्स हो गया क्योंकि यहाँ पे हम कार्बन एनायन की बात करते हैं। ठीक है, थर्ड, इन दोनों में किसी को भी डाउट है पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ आज के लेक्चर में मैं पहले ही बोल चुका हूँ, सिर्फ अपन क्वेश्चन लेने वाले कई सारे, और मैं आपको शायद डीपीपी भी शेयर किया हूँ ना, मीजोमेरिक इफेक्ट से रिलेटेड बेटा। ठीक है, तो कल का आज मेक श्योर इट एवरीवन, जो डीपीपी है और जो टेस्ट है, इन दोनों में जितने भी डाउट है वो आज मेरे को सिर्फ इतना सा पोस्ट कर दे कि सर मेरे को डीपीपी नंबर में इतना क्वेश्चन नंबर पे डाउट है 12-13, टेस्ट में मेरे को सर इतने क्वेश्चन पे डाउट है 12-11, जो भी है। ठीक है, तो इनको अपन बेटा का डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ पे हम कार्बोकेटाइन और कार्बन आयन में देखा सबसे बेसिक क्वेश्चन कि किस तरह से मीजोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट को हम एक साथ कंपेयर कर सकते हैं, कि यहाँ पे तो हमारा प्लस एम हो रहा है और इसमें सिर्फ क्या था हमारा माइनस आई। एक में प्लस एम क्या कर रहा है, इसको स्टेबल कर रहा है, एक में तो जो है प्लस एम कंपाउंड को स्टेबल कर रहा है, और एक में प्लस एम ने कंपाउंड को क्या किया, अनस्टेबल कर दिया। ठीक है, तो ऐसे रटना नहीं है, वो अपन देखेंगे कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे। जैसे थर्ड टाइप ऑफ इसमें क्वेश्चन रहेगा अपने पास कि मान लो हमारे पास डिफरेंट ग्रुप है, डिफरेंट ग्रुप कौन से हैं प्लस एम करने वाले, जैसे कि ये दोनों, हमसे पूछा है कि ए ज्यादा स्टेबल है कि बी ज्यादा स्टेबल है। अब यहां पे सबसे पहले हम वही काम देखेंगे क्या, कि जो भी कॉमन एरिया है उसको अपन कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो रिंग और पॉजिटिव जो चार्ज है वो दोनों में कॉमन है, तो सिर्फ डिफरेंस किस में है, यहाँ पे देखो इसमें तो है NH2, इसमें तो क्या है NH2, तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, और यहाँ पे क्या है OH, ऑक्सीजन के ऊपर भी लोन पेयर होता है। ठीक है, ये वाला पार्ट भी अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं ना, लोन पेयर किस तरह से कंसिडर करते हैं। फिलहाल याद ही रखो ना, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पे रहेगा, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पे रहेगा, फ्लोरीन वाला जो लाइन है हेलोजन, उस सभी पे भी क्या होता है, एक लोन पे अवेलेबल होता है। तो यानी कि ये कंपाउंड भी अपना प्लस एम करेगा शो, ये भी अपना प्लस एम शो करेगा। ठीक है, अब खास बात क्या है, दोनों पेरा पोजिशन पे, सेम पोजिशन पे, तो पोजिशन वाला फैक्टर कंसिडर नहीं करेंगे अपन। अब यहाँ पे ये भी प्लस एम कर रहा है, ये भी प्लस एम कर रहा है। अच्छा, प्लस एम अगर शो कर रहा है तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज कम होगा, और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इसका कम होगा। यस, तो फिर कंपेयर कैसे करें, तो फिर हम देख लेंगे कि यहाँ पे दोनों प्लस एम तो शो कर रहे हैं, बट किसका प्लस एम ज्यादा होगा। अब इसको भी आप अगर मेमोराइज नहीं करना चाह रहे तो इसको भी आप कॉन्सेप्चुअल याद रख सकते हैं। कैसे, हमें इतनी सी बात तो पता है कि जब हम बोरोन से इधर जाते हैं तो इधर लगातार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती बेटा, बढ़ती है। यस, तो एक बात तो श्योर है, इसके पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी और नाइट्रोजन के पास भी क्या है, लोन पेयर है, तो डोनेट तो दोनों कर रहे हैं। अब ज्यादा डोनेट करने की टेंडेंसी किसकी रहेगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है, ऑक्सीजन जो है देख पा रहे हैं यहाँ पे आप, ऑक्सीजन जो है ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है, बट प्लस एम में अपन क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं दोनों के दोनों। ठीक है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के करस्पॉन्डिंग हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए इसकी लूज करने की जो टेंडेंसी रहेगी, या जो इसका प्लस एम रहेगा, किसका,
OH ग्रुप का वो क्या रहेगा, लेसर अमाउंट में रहेगा एज कम्पेयर टू NH2। समझा क्या? कि लूज तो दोनों कर रहे हैं, दोनों लूज क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन क्या है, लोन पेयर है दोनों के पास अवेलेबल, तो लूज दोनों करेंगे यानी कि प्लस एम दोनों शो करेंगे। बट ज्यादा प्लस एम क्यों कौन करेगा यहाँ पे, नाइट्रोजन एटम, क्यों, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम। ठीक है, तो बस यहीं पे हो गया क्वेश्चन हमारा कि यहाँ पे OH ने भी प्लस एम शो किया, NH2 ने भी प्लस शो किया, बट NH2 का जो प्लस एम है वो ग्रेटर है किससे, OH से। तो यानी कि यहाँ पे जो चार्ज डिक्रीज होगा वो ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस। जितना ज्यादा चार्ज डिक्रीज होगा उतना ज्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि जो है स्टेबिलिटी बी का ज्यादा होगा किससे, ए से। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। बट ये थर्ड वेराइटी हो गई हमारे पास। ठीक है, सिर्फ आज के लेक्चर में अपन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करने वाले, तो उसमें थर्ड टाइप ही हो गया। किसी को भी डाउट इसमें आता नहीं है, जस्ट इसका रिवर्स कर ले अपन। सेम क्वेश्चन में अगर कार्बन आयन होता यहां पे सिर्फ कार्बन आयन है, ऊपर वाले क्वेश्चन में कार्बन का टाइन था, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। अब यहां पे इफेक्ट तो दोनों ही होगा, ये भी अपना प्लस एम शो करेगा, ये भी अपना प्लस एम शो करेगा। अब प्लस एम से इसका नेगेटिव चार्ज क्या होगा, इस केस में इंक्रीज, और यहां पे भी क्या होगा, इसका इंक्रीज। अब NH2 का जो है प्लस एम ज्यादा होता है, NH2 का प्लस एम क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, OH से। अभी अपन देख चुके हैं ये क्यों होता है। ठीक है, तो NH2 के केस में जो चार्ज ज्यादा इंक्रीज होगा इस केस में एज कम्पेयर टू दिस, यानी कि यहाँ पे दोनों अनस्टेबल कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाले में दोनों स्टेबल कर रहे थे कार्बोकोटाइन को, यहाँ पे दोनों अनस्टेबल कर रहे हैं। ज्यादा अनस्टेबल किसने कर दिया, NH2 ने, तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी बेटा, ए की ज्यादा होगी बी से। ठीक है क्या, जस्ट रिवर्स भी अपन बोल सकते हैं, फर्स्ट का क्या हो गया यहाँ पे, रिवर्स हो गया। देखो माइनस आई इफेक्ट तो तब कंपेयर करेंगे ना देव, जब हमारे पास जैसे कि इन दोनों कंपाउंड में, तो सबसे पहले तो हम ये ऑर्डर चेक करते ना, इसको तो हमेशा याद रखो मिस्टर हाय, कि अगर मीजोमेरिक इफेक्ट को कंपेयर कर चुके हो आप ऑलरेडी, मीजोमेरिक इफेक्ट को आप ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हो, तो फिर अपन जाएंगे इस पे हाइपर कॉन्जुगेशन पे या इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो जैसे कि थर्ड और फोर्थ में तो हम सिर्फ मीजोमेरिक इफेक्ट के बेसिस पे आंसर कर पा रहे हैं, तो उसी के बेसिस पे हमने आंसर किया है दोनों क्वेश्चन में। ठीक है, अगर मीजोमेरिक इफेक्ट को कंसिडर नहीं कर पा रहे है ना, या अगर वो इक्वल है तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे अपन। जैसे कि इसका क्वेश्चन लेता हूं मैं, वही ना, डिफरेंट वेराइटीज ले रहे अपन वन बाय वन। सर देन CH2 के कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है तो वो प्लस एम ज्यादा होना चाहिए, कार्बन की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है तो वो प्लस एम ज्यादा नहीं। जो आपने पूछा है ना यहाँ पे, तो बेटा स्टेबिलिटी हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछेगा, ये जो कार्ब अनायन है इसकी स्टेबिलिटी बताओ, तो इसपे तो हमें इफेक्ट कंसिडर करना है, यहाँ पे ये जो भी ग्रुप कनेक्टेड है ना इनका क्या इफेक्ट रहेगा, तो इसकी तो स्टेबिलिटी हमें बताना है। इसका इफेक्ट आपको कोई नहीं देखना कि ये माइनस एम करेगा या माइनस आई करेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देख लेते वापस से बहुत फास्ट, कि फर्स्ट वाले कंपाउंड में हमने कंपेयर किया प्लस एम को माइनस आई से, प्लस एम को इससे माइनस आई से। सेकेंड वाले केस में कंपेयर हमने किया प्लस एम को माइनस आए से, बट यहाँ पे जो इफेक्ट थे वो जस्ट रिवर्स थे, है ना। फर्स्ट वाले में ए ज्यादा स्टेबल था और इस वाले में बी ज्यादा स्टेबल, उसी तरह से थर्ड और फोर्थ में भी दोनों ही कंपाउंड क्या कर रहे हैं, प्लस एम शो कर रहे हैं। फर्स्ट वाले केस में यहाँ पे ये वाला ज्यादा स्टेबल है, बी वाला, है ना, क्योंकि यहाँ पे कार्ब कटाइन है, और इस वाले केस में क्या हो गया हमारे पास, कार्ब अनायन। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ केस कैसे बनेगा, मान लो हमारे पास एक ही कंपाउंड है,
जो अभी आपने क्वेश्चन पूछा देव उसको कंसिडर करते हैं। अभी मान लो हमारे पास एक ही कंपाउंड, और खास बात क्या है, दोनों के दोनों ही क्या शो कर रहे हैं, प्लस एम शो कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर शेयर करेगा, और यहाँ पे ये ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ तो यहाँ पे भी प्लस एम होगा बेटा, यस। यहाँ पे भी प्लस एम होगा, यस। अब यहाँ पे देखो मैं क्या बोला हूँ, कभी भी जो अपने पास कॉमन वो होता है एरिया, उसको आप कंपेयर नहीं करते, है ना। अब यहाँ पे ये रिंग और ये कार्बोकटाइन, ये तो कॉमन है, डिफरेंस किसका है, यहाँ पे एनएच टू का, और वो भी सिर्फ कितना सा डिफरेंस है पोजिशन का। ये यहाँ पे कौन सी पोजिशन पे, इसकी पैरा पोजिशन पे, और ये इसकी कौन सी पोजीशन पे, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है। अब हम शायद ये पढ़ चुके हैं कि जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है, प्लस एम हो कि माइनस एम हो, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता, डिस्टेंस डिपेंडेंस ये नहीं होता, यानी कि यहाँ पे जितना प्लस एम लगेगा, और ग्रुप इफेक्ट ग्रुप भी सेम है ना, यहाँ पे भी एनएच टू है और यहाँ पे भी एनएच टू है। और दूसरी बात हमने बोली कि भले ये पेरा पे हो कि ऑर्थो पे हो, डिस्टेंसेस को कोई इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। ये अपन पढ़ चुके हैं कि को ऐसा नहीं होता। तो यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे जो प्लस एम है और यहाँ पे जो प्लस एम है, किस पे, ऑर्थो पोजीशन पे और पेरा पे, वो इक्वल है, ठीक है। यानी कि एक बात समझ में आ रही क्या, ये वाला फैक्टर भी हमारा कॉमन निकल गया, ये वाला फैक्टर भी हमारे पास क्या निकल गया, कॉमन निकल गया। तो बस हमारे पास फिर अभी आप कंपेयर किससे करें, मैं यही बोला ना आपको कि जो कॉमन एरियाज होता है उसके बेसिस पे अपन कंपेयर नहीं करते। हम कंपेरिजन कहाँ पे स्टार्ट करेंगे, कहाँ पे डिफरेंस है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे भी माइनस आई तो शो करेगा ऑब्वियसली, हमेशा यहाँ पे बेटा, एक सेकेंड, यहाँ पे ये माइनस आई तो शो करेगा, और यहाँ पे भी ये माइनस आई तो शो करेगा, ठीक है। माइनस आई क्यों शो कर रहा है, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, नाइट्रोजन की ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये माइनस आई तो यहाँ पे भी शो कर रहा है और यहाँ पे भी शो कर रहा है। खास बात क्या थी, इसमें प्लस एम दोनों में सेम है, तो प्लस एम को कंपेयर करूंगा अगर मैं, नहीं। अब यहाँ पे देखो माइनस आई का हमें पता है, माइनस आई जो होता है या प्लस आई हो वो क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, यस। जो है डिस्टेंस डिपेंडेंस होता है, यस। अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कम। तो ये तो पास में ही है ऑर्थो पे, और यहां पे क्या है, डिस्टेंस काफी ज्यादा है, यानी कि यहां पे जो माइनस आया है वो क्या होगा, लेस इफेक्टिव होगा। अच्छा दूसरी बात, माइनस आया क्या करता है, अब इसको अलग से समझ लेते थोड़ा सा शॉर्ट में, कि मान ले हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, जैसे कि ये NH2 कनेक्टेड है, किससे, कार्बन से। तो ये माइनस आया अगर शो कर रहा है, माइनस आएगा क्या सेंस है कि ये इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। यानी कि एक बात समझे क्या, जो माइनस आया है वो चार्ज को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, और अगर चार्ज बढ़ेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कंपाउंड की, कम, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हमारे पास माइनस आया है, और इस वाले केस में भी क्या है, माइनस आया है, ज्यादा इफेक्टिव माइनस आया यहाँ पे किसका है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको बोल देते हैं ए और इसको बोल देते बी। तो हमारे पास जो इफेक्टिव माइनस आए है वो ज्यादा किसका है, बी केस में, क्योंकि पास में है ना ऑर्थो पोजीशन पे, बी का ज्यादा है किससे, ए से। जितना ज्यादा माइनस आए होगा, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, जितना ज्यादा माइनस आए होगा उतना ज्यादा चार्ज बढ़ेगा, तो हम लिख सकते हैं चार्ज ज्यादा किसका हो गया, बी का चार्ज ज्यादा है। तो हम फाइनली ऐसा रिकमेंड कर सकते हैं क्या कि हमारे पास जो स्टेबिलिटी होगा वो ज्यादा किसका होगा, ए का ज्यादा होगा किससे, बी से, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में प्लस एम था, बट दोनों में प्लस एम क्या था, सेम था, है ना। तो नोट कंसिडर, डू नॉट कंसिडर, ठीक है। तो हमने उसको यहाँ पे कंसिडर ही नहीं किया, तो हमने आंसर किसके बेसिस पे किया, हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे, ठीक है। सर ए में तो माइनस आई नहीं होगा क्योंकि दो एटम के बाद नेग्लिजिबल होता है, हाँ पार्थ सही बोल रहे हो ना आप,
यही तो हमने बोला ना कि ज्यादा इफेक्टिवली, आपने एकदम सही पकड़ा, हमने ये पढ़ा भी इंडक्टिव इफेक्ट में कि जनरली 3 कार्बन के बाद इसको नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा ना देख, कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है ज्यादा डोमिनेटिंग किसमें, इस वाले कंपाउंड में, बी में, क्योंकि पास में ए में तो क्या है, काफी ज्यादा डिस्टेंस है ना इसकी, ठीक है, तो ए में तो नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। और इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे फिर क्या इफेक्ट कर रहा है वो तो अपन समझ ही चुके। तो किस तरह के फैक्टर को कंसीडर करना है, समझ में ना, समझ पा रहे हैं आप, वन बाय वन, है ना। तो फिफ्थ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हो गए, या फिफ्थ कॉन्सेप्ट हो गया, इस तरह भी बोल सकते हैं हम। नेक्स्ट, यहाँ पे थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है अभी। जैसे कि इससे पहले वाला हमने फोर्थ केस लिया था, वहां पे हमने दो डिफरेंट ग्रुप को कंपेयर किया था, वहां पे हमने दो जैसे कि हमारे पास ये दो कंपाउंड है ए और बी, बोला यहाँ पे कौन ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बोकटाइन, सेम क्वेश्चन है, कार्बोकटाइन और कार्बनाइन पे अपन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर रिंग और पॉजिटिव चार्ज के अपन बात नहीं करेंगे, सिर्फ मेरे को डिफरेंस देखना है दोनों कंपाउंड में, कि यहाँ पे तो NH2 है और हमें इतनी सी बात तो पता है कि NH2 पे लोन पेयर है और ये पेरा पोजीशन पे तो प्लस एम करेगा। CN का स्ट्रक्चर आपको पता है थोड़ा सा ना, CN क्या करता है, माइनस, कार्बन के पास लोन पेयर तो नहीं है, तो ये क्या करता है बेटा यहाँ पे, माइनस एम करता है, ठीक है। और सबसे पहले अब इसका इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह की हम बात ही नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमारा जो आंसर मेरे को करना है वो इसी प्रायोरिटी ऑर्डर में करना होता है मेरे को, कि सबसे पहले मैं किसको इफेक्ट को देखूंगा, मीजोमेरिक इफेक्ट, अगर ये कॉमन है तो फिर मैं अदर फैक्टर पे जाऊंगा, जैसे कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हुआ, जस्ट ऊपर वाले में ना, कि दोनों में प्लस एम सेम था तो फिर हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे आंसर किया, बट ये वाला क्वेश्चन देखो कहाँ गया, जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, इसमें तो प्लस एम था और इसमें कुछ माइनस आया था, तो मैंने अपना आंसर किसके बेसिस पे किया, प्लस एम के बेसिस पे, ठीक है। तो मीजोमेरिक इफेक्ट को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, यस, बट अगर वो कॉमन है तो फिर किसको देखेंगे आप, इंडक्टिव इफेक्ट को। फिलहाल तो अब यहां पे एक बात अब समझ पा रहे हैं हम क्या, कि ये जो प्लस एम है, ये इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, कम, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, कम, है ना। अब इसको भी रटना नहीं है ना, कई बार बता चुके हैं, ये इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशियंसी है ना, उसके पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशियंसी और उसको इलेक्ट्रॉन मिल गए, उसका चार्ज क्या होगा, कम, इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन का डेफिशियंसी है और यहाँ पे माइनस एम इफेक्ट ये कंपाउंड कर रहा है, तो ओवरऑल इसके पास जो इस रिंग से तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे बेटा, इस सीएन के पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेफिशिएंसी है वो और ज्यादा इंक्रीज होगी, और यहाँ पे डेफिशिएंसी क्या होगी, डिक्रीज, या हम बोले यहाँ पे चार्ज क्या हो गया, डिक्रीज, और यहाँ पे चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज। तो चार्ज और स्टेबिलिटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा किससे, सेकंड से, ठीक है। आपको इस वाले में तो शायद अपने एक लास्ट क्लास में एक टेबल बना के काम कर लिया था, कि जैसे मेरे पास कार्बोकटाइन है और एक बार कार्बनाइन है, प्लस आई इफेक्ट अगर कर रहा है कोई भी, तो प्लस आए तो कार्बोकटाइन को क्या करेंगे, स्टेबल, और कार्बनाइन को क्या करेंगे, अनस्टेबल। उसी तरह से अगर माइनस आए है, माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो कार्बन पे चार्ज बढ़ेगा, कार्बन पे चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ने पे स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। माइनस आई कर रहा है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और माइनस आई कर रहा है और कार्बन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, उसके एक्सिस वाले इलेक्ट्रॉन इसने ले ली माइनस आई से, तो कार्बन का नेगेटिव चार्ज क्या होगा, डिक्रीज, तो चार्ज अगर डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है। उसी तरह से ये जो इफेक्ट अपन ने कंसीडर किए हैं, सेम इफेक्ट होगा प्लस एम के लिए भी और ये इफेक्ट होगा माइनस एम। इस वाली टेबल में किसी को डाउट है क्या बच्चा,
कि प्लस एम और प्लस आई तो कार्बोकेटाइन को क्या करते हैं, स्टेबल करते हैं। ये तो दोनों क्या करते हैं, कार्बोकेटाइन को स्टेबल करते हैं। और कार्बोनाइन को दोनों के दोनों क्या करेंगे, अनस्टेबल करेंगे। माइनस आई और माइनस एम कार्बोकेटाइन को तो क्या करते हैं, अनस्टेबल, और इसको क्या करते हैं, ये स्टेबल करते हैं। ठीक है, इस वाली टेबल में किसी को डाउट है तो फिलहाल वही पूछ लो, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट को तो अपन डायरेक्ट यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, ऊपर वाले यहाँ पे, और इसको रटना नहीं है ना कि सर इतना कैसे याद रहेगा, सिर्फ कॉमन सेंस से सोचो ना कि प्लस एम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, कम, है ना, चार्ज कम, तो स्टेबिलिटी क्या होगी उसकी, बढ़ेगी। सिर्फ एक याद रख लो और सबका इसका रिवर्स कर दो यहाँ पे, है ना, और इसका रिवर्स कर देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इफेक्ट भी रिवर्स हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे इस सिक्स क्वेश्चन में हमने देखा कॉन्सेप्ट में कि हमारे पास एक तो प्लस एम कर रहा है और एक क्या कर रहा है यहाँ पे, माइनस एम। तो प्लस एम तो कार्बोकेटाइन को क्या करेगा, स्टेबल, और माइनस एम कार्बोकेटाइन को क्या करेगा बेटा, अनस्टेबल। तो ए ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू बी से। ठीक है, नेक्स्ट सेवेंथ वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। जैसे कि हमारे पास दो क्वेश्चन है, ठीक है, अब यहाँ पे खास बात क्या है इसमें, इसको एक एक और वो लेते हैं कंपाउंड, आपसे बोला यहाँ पे स्टेबिलिटी, वही सेम क्वेश्चन है, ए बी और सी को हमें अरेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस है, सिर्फ डिफरेंस को ऊपर लिख लेते हैं। तो देखो आप हमेशा क्या किया करो बेटा, इनका इफेक्ट लिख लिया करो, मतलब ये शॉर्ट ट्रिक टाइप से हो गया, है ना, इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, फिर नेक्स्ट टू थ्री क्वेश्चन आपको करने, तो क्या क्या स्टेप में आपको काम करना है इन क्वेश्चन में, सिर्फ मैं स्टेप अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, उनको फॉलो करना। तो सबसे पहले आप देखा करो कि ये जो भी इफेक्ट ग्रुप है इनके पास क्या लोन पेयर है क्या, जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन वाली लाइन में सबके पास लोन पेयर होता है, तो हमने लिख दिया। दूसरी बात, मेटा पोजिशन पे नहीं है ना कोई, इनमें नहीं है, ये तो ऑर्थो पे है, ये पैरा पे है, ये भी पैरा पे, तो यानी कि ये भी प्लस एम करेगा, ये भी प्लस एम करेगा, यहीं पे लिख रहा है साथ में, और ये भी क्या करेगा बेटा, प्लस एम करेगा। ठीक है, साथ ही साथ ये भी लिख लो इनका कि हो सकता है ना प्लस एम वाला इफेक्ट अपने को कैंसिल आउट हो जाए तो माइनस आई पे काम करना पड़े। अच्छा अच्छा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो ये सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन भी अट्रैक्ट करेगा, यानी कि माइनस आई भी करेगा, ये माइनस आई भी करेगा और ये माइनस आई भी करेगा। ठीक है, तो ये तो हमने सिर्फ इनके इफेक्ट कंसीडर किए, अभी ये प्लस एम भी करता है माइनस आई भी करता है, खास बात क्या है, इसका जो प्लस एम है वो इसके माइनस आई से ज्यादा होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो जनरली इन तीनों कंपाउंड में इन ग्रुप का जो प्लस एम है वो क्या होगा, ज्यादा होता है किससे, माइनस आई से। ठीक है, तो ये तो हमने ओवरव्यू इसका लिखा है, अब बात करते हैं कंपैरिजन की, कंपेयर करते कैसे। तो देखो सबसे पहले अपन कंपेयर कर लेंगे किसको, प्लस एम को। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं क्या, कि प्लस एम जो है डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता, मीनिंग वॉट, अभी यहां पे देखना ना, इसमें कई सारे पॉइंट निकल के एक साथ आएंगे, प्लस एम डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता। अब यहां पे देख बच्चा, ये जो बी में हमारा जो NH2 ग्रुप है बी वाले कंपाउंड में, और सी में भी तो NH2 है, ए को छोड़ो फिलहाल, पहले बी और सी में बात कर लेते हैं, बी और सी में दोनों में NH2 है, है ना। अच्छा, यहां पे तो ऑर्थो पोजीशन पे है और यहां पे ये पैरा पोजीशन पे, बट ऑर्थो पोजीशन पे हो
कि पैरा पोजीशन पे डिस्टेंस डिपेंडेंट तो नहीं होता, और खास बात क्या है, ये भी एन एस टू का है और ये भी यहाँ पे भी एन एस टू है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि यहाँ पे जो प्लस एम है और यहाँ पे जो प्लस एम है वो क्या है, सेम है, यस और नो? ये वाली बात समझ में आएगी आपको, ये तो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता ना, तो यहाँ पे एन एस टू का जो प्लस एम है और यहाँ पे जो एन एस टू का जो प्लस एम है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, पहले अपन इससे, ए से, ए का, ए में ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन का लोन पेयर भी लूज करता है, बट समझ चुके ना अपन पिछले लास्ट क्वेश्चन में कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो लूज करने की टेंडेंसी इसकी क्या होगी, कम। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि यानी कि इन दोनों का जो ये है प्लस एम वो ग्रेटर रहेगा ऑक्सीजन से, है ना, इन दोनों का तो इक्वल है पहली बात, और ऑक्सीजन से क्या है वो ग्रेटर है, ठीक है। तो ये तो हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया प्लस एम को, अब यहाँ पे खुद से सोचो ना, देखना बेटा आप यहाँ पे किस तरह से आंसर करेंगे। तो पहले मैंने सारे इफेक्ट इसके लिख लिए, ठीक है, अब वहां पे कंपैरिजन स्टार्ट किया मैंने, अच्छा अच्छा बी में और सी में तो जो प्लस एम है वो तो सेम है और ए का जो प्लस एम है वो क्या है, कम। अब हम आंसर कैसे करते हैं, तो हमेशा याद रखना आपका आंसर जाएगा इसके बेसिस पे, मिस्टर हाय, ये सबसे पहले आप आंसर करोगे मीजो मेरिक इफेक्ट को कंसिडर करके। अब अभी अभी अपन ने देखा ना कि जो प्लस एम है, जो प्लस एम है वो तो कंपाउंड को क्या करता है, कार्बोकटाइन को तो स्टेबल करता है, और कार्बन आयन को क्या करता है, अनस्टेबल करता है। तो कार्बोकटाइन है ना हमारे पास, तो यहां पे ये वाले प्लस एम भी इसको स्टेबल कर रहे हैं और ये वाला प्लस एम भी इसको स्टेबल कर रहा है, बट एक बात समझ में आ रही है क्या, इसका जो प्लस एम है इन दोनों से तो कम है, किसका, OH का। तो यानी कि ये इस जो इसका जो स्टेबिलिटी वो सबसे क्या रहेगा, कम। ये वाला पॉइंट समझ में आया आपको, कि पहले मैंने A को सेपरेट कर दिया B और C से, B और C को हम अभी एक ग्रुप की तरह बात कर रहे हैं, ये इन दोनों का एक ग्रुप है और ये एक सेपरेट हो गया, क्योंकि इसमें प्लस एम कम है तो इसका जो स्टेबिलिटी हो सबसे क्या है, कम है। कि सर आपने माइनस आया तो कंसिडर नहीं किया ना, हाँ क्यों नहीं किया, क्योंकि हम सबसे पहले कंसिडर ही किसको करते हैं, मीजोमेरिक इफेक्ट को, और इसका मीजोमेरिक इफेक्ट कम है ना, तो हम बोल देंगे क्या कि इसका स्टेबिलिटी क्या रहेगा बेटा, सबसे कम। ए का क्या रहेगा, सबसे कम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि बी और सी में कैसे कंपेयर करेंगे। अब बी और सी में, क्योंकि मीजोमेरिक इफेक्ट तो सेम है दोनों में, मीजोमेरिक इफेक्ट सेम है, तो अब हमारा जो बेटा आंसर होगा ना वो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे होगा, हमारा जो आंसर होगा ना अब किसके बेसिस पे होगा, इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस, क्यों, क्योंकि मीजोमेरिक इफेक्ट तो दोनों में सेम है ना। अब माइनस आई क्या करता है, अब अभी अपन ने देखा जो माइनस आई है वो तो कार्बोकटाइन को क्या करता है, अनस्टेबल करता है, यानी कि यहां पे भी माइनस आई हो रहा है, बी में भी माइनस आई हो रहा है इस तरह से कुछ, और सी में भी माइनस आई हो रहा है ना, बट अगर माइनस आई हम देखें एक सेकेंड, जो माइनस आई है वो ज्यादा इफेक्टिव किसमें है, बी में ज्यादा इफेक्टिव है, बी में ज्यादा माइनस आई इफेक्टिव है, है ना, क्योंकि बी में पास में ही है ऑर्थो पोजीशन, तो माइनस आई तो कंपाउंड को क्या करता है, अनस्टेबल करता है, तो बी और सी में ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया, फिर सी हो गया, है ना, तो सी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर बी ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पे आपने देखा क्या, इन दोनों को तो ए से सेपरेट किया मैंने मीजोमेरिक इफेक्ट के बेसिस पे, और बी और सी को सेपरेट कैसे किया मैंने, इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे, ठीक है। अभी इस वाले क्वेश्चन में कई सारे वैसे कॉन्सेप्ट है, कोई भी डाउट है बच्चा पूछ सकते हैं आराम से, है ना, तो मैं आपका चैट बॉक्स अभी देख रहा हूँ आराम से, है ना। तो फर्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा है स्टेबिलिटी, आंसर लिखा है आपने तो सी बी ए, वेरी गुड पूनम, सी ए बी, सर बी में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है वो डोनेट नहीं होगा, स्टेबिलिटी बी सी ए, कहाँ पे बेटा, नाइट्रोजन का लोन पेयर सब में डोनेट होगा ना, मेटा पोजीशन पे अगर होता है ना तो डोनेट नहीं करते बस, बाकी सब जगह करेंगे पार्थ, ठीक है सर हमें क्वेश्चन दो ना, हाँ बस अभी हो गया ना, कई सारे वेराइटी अपन ने ले ली,
अब सारे क्वेश्चन बेटा आप ही को पढ़ने हैं। ठीक है, तो किस तरह से कंपैरिजन करते हैं अभी समझ में आप, है ना? अपन ने जितने भी इफेक्ट क्वेश्चन देखे हो सारे के सारे डिफरेंट है एक दूसरे से, है ना? और इनकी कई वैरायटी बन सकती है ना, आप जितनी बोलोगे उतनी बनाते रहेंगे। बट अभी अब समझ गए आप किस तरह से कंपैरिजन करना है। तो आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, आप कॉपी पेन ले लो, सभी इजी से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप सिर्फ एक काम करता हूं ना, जितने भी मैं क्वेश्चन दिया हूं ना इन्हीं में थोड़ा थोड़ा डेटा चेंज करके इन्हीं क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं, है ना? देखते हैं आप कर पाते नहीं। सिर्फ टारगेट इतना है कि आपका वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, है ना? यहां पे तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सभी में सेम ही है, ए और बी में आपको स्टेबिलिटी चेक करना है बस। इजी से स्टार्ट कर रहे हैं, मेक श्योर इट आप एटलीस्ट ट्राई तो करें ना। इजी और टफ आपके लिए तो कुछ है नहीं, अभी आपको तो कॉन्सेप्चुअल बेस बनाना है, ठीक है ना? एक एक का ही आंसर कर लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये वाला, तो कई बच्चों का आंसर भी आ चुका है इसमें। तो कुणाल का आंसर करेक्ट है, पार्थ का आंसर करेक्ट है, पूनम करेक्ट है, काबरा जी करेक्ट है, देव करेक्ट है। और कोई हरीश, हर्षिता, हर्षवर्धन, ठीक है? यहाँ पे देखो बच्चा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन के फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर होता है और ऑक्सीजन के पास भी क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो ये भी अपना प्लस एम शो करेगा और ये भी अपना प्लस एम शो करेगा। अब कहीं बार अपन पढ़ चुके, अब तो याद ही हो गया होगा आपको, शोर शोर इधर से इधर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो यहाँ पे भी लोन पेयर तो डोनेट कर रहा है, यहाँ पे भी लोन पेयर ये डोनेट कर रहा है अपना, और यहाँ पे भी अपना ये लोन पे डोनेट कर रहा है, तो प्लस एम दोनों शो कर रहे हैं, है ना? बट क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसके तो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है ना, तो डोनेट करने की क्या हो जाएगी, कम। यानी कि यहाँ पे हम प्लस एम लिख सकते हैं कि प्लस एम जो है OH का ज्यादा इफेक्टिव होता है किससे, फ्लोरीन से। OH जो ग्रुप है उसका प्लस एम ज्यादा इफेक्टिव होता है, और प्लस एम तो इस कंपाउंड को क्या कर रहे हैं, स्टेबल कर रहे हैं, तो ज्यादा इसका बेटर प्लस एम है, इसका ऑक्सीजन का ग्रुप का जो है प्लस एम ज्यादा अच्छा है, इसको ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। तो हम बोल सकते हैं OH का ज्यादा प्लस एम है इसीलिए स्टेबिलिटी भी किसका ज्यादा रहेगा, बी का ज्यादा रहेगा किससे, ए से। कोई भी डाउट है बच्चा पूछ सकते हैं आप में से, ठीक है? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आपको ट्राई करना है ना? बताने के बाद भी कोई अगर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट रह जाता है तो पूछ लिया करो बेटा, और आंसर सभी को करना है आपसे। ठीक है, इसका आंसर कीजिए अभी। ये मतलब ये ए है और ये बी है, तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा, पार्थ इसका आंसर लिखा गया तुमने सेकंड का, अब करेक्ट है पार्थ फिर तो, नहीं पूनम इनकरेक्ट है। हरीश करेक्ट है, सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, कंपाउंड को देखेंगे और उसका इफेक्ट लिख दिया करो उसी के साथ में छोटा सा नीचे कि अच्छा अच्छा ये दो ग्रुप ये इफेक्ट कर रहा होगा।
हाँ दोनों से एक तो होना ही है ना। हाँ कुणाल करेक्ट है आपका आंसर। हाँ पूनम इसी तरह से आंसर करेंगे। नहीं देव इनकरेक्ट हो गया। ठीक है तो इसमें अभी काम करना पड़ेगा मतलब अपने को। तो देखो यहाँ पे कोई नहीं, सिर्फ अपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है अभी। धीरे धीरे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अपने आप बन जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे बच्चा, हमें ये इतना सा तो पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे भी लोन पेयर और यहाँ पे भी लोन पेयर। बट दूसरी बात हमने क्या देखी, ये तो इसकी ऑर्थो पोजीशन है। कौन सी, ये वाली, ये तो कौन सी पोजीशन इसकी ऑर्थो, और ये वाली कौन सी पोजीशन इसकी मेटा, दिस वन। अब जैसे मेटा लिखा है मैंने, और मेटा पे प्लस एम तो काम करता ही नहीं है, ठीक है। और ये वाली तो कौन सी पेरा है, तो मेटा पे भले इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पे खास बात क्या है, इसकी लोन पेयर है बट ये मेटा पोजीशन में जो मेरे इफेक्ट करता ही नहीं है ना, ये अपन पढ़ चुके कहीं लास्ट क्लासेस में। तो यहाँ पे सिर्फ प्लस एम होगा इसका, और इसका प्लस एम तो हो नहीं सकता। बट एक बात तो है कि यहाँ पे ये माइनस आई तो शो करेगा बच्चा, माइनस आई एक्चुअली यहाँ पे भी शो करेगा, माइनस आई तो दोनों में शो करता है क्योंकि फ्लोरीन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है, किससे, कार्बन से। तो माइनस आई यहाँ पे भी कर रहा है, बट ऑब्वियसली हम ज्यादा डोमिनेटिंग किसको लेंगे, इसके प्लस एम को लेंगे एज कम्पेयर टू माइनस आई। और इस वाले कंपाउंड में सिर्फ माइनस आई शो कर रहा है, तो बोलो कंपेयर किसको करते हो आप, मिस्टर हाई को। सबसे पहले अपन देखेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट, इसमें तो है, इसमें नहीं है ना। तो ज्यादा है, मतलब जो भी इसका इफेक्ट होगा ना, इसका और इसका, तो हम सबसे इफेक्टिव इसको देखेंगे। ये प्लस एम है, प्लस एम तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, कम। यहां पे तो माइनस आई कर रहा है ना, माइनस आई का मतलब उल्टा काम कर रहा है, तो इसने तो इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, अपनी तरफ शिफ्ट करवा दी, इसका तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, है ना। और यहाँ पे चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो चार्ज कम होने पर स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि बी ज्यादा स्टेबल होगा किससे, ए से, ठीक है। प्लस एम तो क्या कर रहा है कंपाउंड को, सर, पर आपने बोला था कि हैलोजन्स में माइनस आई ज्यादा इफेक्टिव होता है प्लस एम से। हाँ बेटा मैं बोला था ये जो इफेक्ट ये है, हेलोजन में नहीं बोला मैं, इनको बोला था कि हमारे पास तीन ऐसे हेलोजन होते हैं जहां पे ये जो हम मिस्टर हाई लिखते हैं ना, इसको फॉलो नहीं करते। इन तीनों के लिए अपन माइनस आई को ज्यादा इफेक्टिव कंसिडर करते हैं एज कम्पेयर टू प्लस आई, प्लस एम, फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब इसकी एक अलग कहानी है ना कि ऐसा क्यों नहीं होता, तो वो तो बेटा अभी है ना, फिलहाल याद ही रखो ना, है ना। मतलब काफी फिर डीप में चले जाएंगे वो केमिस्ट्री के अंदर अपन, फिलहाल सिर्फ इतना से याद रखो ना, सिर्फ एक एक्सेप्शन मिला है अभी तक अपने को कि सब केसेस में अपन क्या देखेंगे, मीजोमेरिक इफेक्ट को ज्यादा डोमिनेटिंग कंसिडर करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से, एक्सेप्ट दीज थ्री एलिमेंट, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो उनको तो अभी छोड़ो, उसको लेंगे यहाँ पे तो नहीं है ना, ये तो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन में तो बेटा जो है मैं प्लस एम ही इसका कंसिडर करूंगा। तो प्लस एम तो क्या कर रहा है, इसको स्टेबल बना रहा है, तो यही ज्यादा स्टेबल, इसको तो मैं देखूंगा भी नहीं ऑब्वियसली कि कौन सा इफेक्ट है, क्योंकि माइनस आए है ना, इंडक्टिव इफेक्ट तो ऑब्वियसली वैसे ही लेस डोमिनेटिंग होता है। और होता लेट सपोज यहाँ पे प्लस आई कर रहा होता है, जैसे कि थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं फिलहाल, सेकंड में किसी को डाउट है क्या, अभी इस वाले केस में देखना, प्लस एम को कंपेयर किया है मैंने माइनस आई से, ठीक है। ज्यादा इफेक्टिव को किसको कंसिडर किया मैंने, यहाँ पे प्लस एम को किया है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन में मैं हिंट भी दे देता हूं ना, प्लस एम को कंपेयर करना है आपको प्लस आई से, ऊपर वाले में प्लस एम को कंपेयर किया था आपने माइनस आई से, बट आंसर किसके अकॉर्डिंग दिया आपने,
प्लस एन के बेसिस पे देखते हैं आप इसमें कैसे सॉल्व करोगे आप इसको। यह ए कंपाउंड और यह हमारे पास बी कंपाउंड, पूछा है सेम स्टेबिलिटी, ए का ज्यादा है कि बी का ज्यादा। हाँ पार्ट करेक्ट है, कुणाल करेक्ट है। हाँ देव करेक्ट है, काबरा जी इनकरेक्ट है, हरीश करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब हमें क्या पता है CH3 जो है कार्बन, तो इसके पास तो लोन पेयर वगैरह कुछ होता नहीं है, तो ये तो सिर्फ क्या करता है प्लस आई करता है हमेशा, है ना, ये तो क्या करेगा प्लस आई करेगा। और ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर है, तो ये तो क्या करेगा प्लस एम करेगा। अब यही ना हमारे पास मिस्टर हाय, सबसे पहले आप किसको देखते हो मेसोमेरिक इफेक्ट को, तो ये तो प्लस एम, प्लस एम भी क्या करता है इसको स्टेबल करता है ऑब्वियसली, प्लस आई भी क्या करता है स्टेबल ही करता है, तो ज्यादा स्टेबल कौन करेगा प्लस एम, तो हम यही आंसर हो गया ना बी ज्यादा स्टेबल है ए से। इसमें क्या समझना, ये प्लस एम से स्टेबल कर रहा है और ये प्लस आई से स्टेबल कर रहा है, ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है प्लस एम ना, तो हम बोलेंगे जो है बी ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें क्या है प्लस एम है, और ये कम स्टेबल होगा क्योंकि इसमें सिर्फ क्या है प्लस आई, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखना इसमें प्लस एम तो इसको कर रहा है बेटा स्टेबल, इसमें क्या है इसमें जो प्लस एम कर रहा है इसको स्टेबल, इसमें माइनस आई जो है OH वो कर रहा है इसको अनस्टेबल, बट इफेक्टिव कौन सा होता है, इफेक्टिव जो होता है मेसोमेरिक इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट से, है ना, तो मैं ज्यादा मतलब कंसीडर सबसे पहले मैं किसका इफेक्ट कंसीडर करूंगा प्लस एम का, तो प्लस एम तो क्या कर रहा है कंपाउंड को स्टेबल कर रहा है ना, तो यहीं पे आंसर आ गया ना मेरा, यही तो पूछा था उसने कि स्टेबिलिटी ज्यादा किसकी है, तो बी ज्यादा स्टेबल है ए से, कि बी तो स्टेबल कर रहा है और ए इसको क्या कर रहा है अनस्टेबल कर रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है अभी, है ना। और इस वाले में ये भी स्टेबल कर रहा है और ये भी स्टेबल कर रहा है, तो ज्यादा स्टेबल कौन कर रहा है फिर, तो हम बोलेंगे बी ज्यादा स्टेबल कर रहा है, क्यों, क्योंकि बी में तो प्लस एम है और इसमें प्लस आई है, तो दोनों यहां पे स्टेबल कर रहे थे कंपाउंड को, दिस वन एंड दिस वन, तो ज्यादा स्टेबल किसने किया प्लस एम ने, तो बी ज्यादा स्टेबल। ऊपर वाले में एक तो स्टेबल कर रहा है और एक अनस्टेबल कर रहा है, तो हमारा आंसर तो वही आ गया ना कि कौन ज्यादा स्टेबल कर रहा है कि प्लस एम ज्यादा स्टेबल कर रहा है, तो वो सेकेंड वाला आंसर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट फोर्थ वेराइटी आपसे आप ही कीजिए इसको, इसमें किसी को डाउट है तो साथ ही साथ पूछते रहना अभी ना, ऐसे बैठना नहीं फालतू। ठीक है ऐसा ही सेम टाइप ऑफ ही क्वेश्चन लेते हैं ना, ताकि आप जो है प्रैक्टिस कर पाओ अच्छे से। ठीक है ना ए बी सी में कंपेयर करना है अभी आपको, सेम क्वेश्चन है कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कौन कम स्टेबल। तो हमारा आंसर आ चुका है हाँ पार्थ करेक्ट है, कुणाल करेक्ट है, पूनम इन करेक्ट है,
अब दोनों से एक तो हो गया ही है ना, प्रांजल करेक्ट है। हरीश इनकरेक्ट है। बी और ए में इनकरेक्ट है तुम्हारा हरीश, मतलब फर्स्ट पार्ट तो करेक्ट होगा। यहाँ पे देखो मेथड क्या है, इस मेथड को हमेशा फॉलो करो ना। आप इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हो कि सी एस थ्री के पास तो कुछ वो लोन पेर वो एन पेर तो है नहीं, ये तो क्या करता है प्लस आई करता है, ये तो क्या करता है प्लस आई करता है, और ऑक्सीजन के पास तो लोन पेर है तो प्लस एम करेगा। बस यहीं पे आंसर आ गया ना बेटा, सिर्फ मैंने इतना सा लिखा है देखो अभी तक। इसी में एक बात तो समझ में आ रही मेरे को कि ए में भी प्लस आय है, बी में भी प्लस आय है, और सी में क्या है प्लस एम है। अब हमें एक बात तो समझ में आ रही है क्या कि वही मिस्टर हाई, मिस्टर हाई क्या कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा लेना है, मीजोमेरिक इफेक्ट को इंडक्टिव इफेक्ट है। अब यहाँ पे खास बात क्या है, ये भी स्टेबल कर रहा है कंपाउंड, समझ ना बच्चा, जो जिन्होंने आंसर भी नहीं भी किया है, और ट्राई करो ना आप। प्लस आई भी क्या करता है कंपाउंड को स्टेबल करता है, यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है इसको स्टेबल कर रहा है, और प्लस एम भी कंपाउंड को क्या करता है यहाँ पे स्टेबल कर रहा है। बट ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है, प्लस एम, तो ये तो प्लस एम कर रहा है ना, यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा है ना, तो सबसे ज्यादा जो है सी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो स्टेबिलिटी आप अपन लिखे हैं सी का सबसे ज्यादा होगा। अब इनमें क्या करे फिर, इसमें भी प्लस आई कर रहा है, इसमें भी प्लस आई कर रहा है, इन तो इन दोनों को सेपरेट किया पहले मैंने प्लस एम से, एक बात समझे आप, प्लस एम ज्यादा इफेक्टिव होता है ना, तो उसको तो मैंने तुरंत सेपरेट कर दिया कि अच्छा अच्छा सी में तो प्लस एम हो रहा है तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा है ना, क्यों, क्योंकि इसमें तो क्या हो रहा है प्लस एम हो रहा है। अब ए में भी प्लस आया है और बी में भी प्लस आया है, तो फिर यहां पे कैसे देखेंगे, तो फिर देखेंगे कि इनमें ज्यादा बेटर प्लस आया किसका है, तो यहां पे हमें पता है कि भाई ये तो जो पास में ही है और ये तो काफी डिस्टेंस है, पास में तो इंडक्टिव है काफी ज्यादा डोमिनेटिंग होगा, सॉरी यहाँ पे तो उल्टा काम करेगा ना, इस तरह काफी ज्यादा इफेक्टिव डोमिनेटिंग प्लस आई होगा, इसका चार्ज कम होगा, यहाँ पे भी चार्ज कम हो रहा है बट इसमें चार्ज काफी ज्यादा कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें पास में, यानी कि ए और बी में ज्यादा इफेक्टिव प्लस आई किसका है, ए का ज्यादा इफेक्टिव प्लस आई है एज कंपेयर टू बी, और जितना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट उतना अच्छा कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। बट यहां पे जो प्लस आया था वो किसका ज्यादा था, इसका था, समझा क्या बच्चा, तो हमने कंपेयर किया इनके बेसिस पे इफेक्ट के बेसिस कि सी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों, क्योंकि इसमें प्लस एम है, ए और बी से, तो क्योंकि ए और बी में क्या है इंडक्टिव इफेक्ट है। अब ए और बी को कैसे कंपेयर करें, तो इनमें ज्यादा अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट किसमें है, तो हमने देखा कि यहाँ पे तो बहुत पास में ही है तो ज्यादा इफेक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा, तो इसीलिए हमने लिखा कि ए जो है ज्यादा ज्यादा मोर स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू बी। एग्जाम्पल अगर कार्बन कटाइन की जगह ऑक्सीजन कटाइन होता, नहीं ना सेम आंसर आएगा, कार्बन कटाइन की जगह अगर दोनों ऑक्सीजन रख दो सेम आंसर आएगा है ना, इनका ग्रुप तो, इनका जो ग्रुप है इनका इफेक्ट तो क्या रहेगा वहां पे भी सेम ही रहेगा। नेक्स्ट तो कल की क्लास में मेक श्योर इट, आज मेरे को जो है बेटा इवनिंग 10 o'clock 11 o'clock तक है ना अपने डाउट भेज देना टेस्ट पेपर के और डीपीपी के, और ये कंपलसरी है ना, कंपलसरी अभी क्यों है, मतलब आपको जिन बच्चों ने डीपीपी सॉल्व नहीं किया है, अब आप सॉल्व करेंगे तो आपको इजी लगेगा, और जिसने सॉल्व कर दिया है दोबारा से क्वेश्चन को ट्राई करना है ना, क्योंकि मीजोमेरिक इफेक्ट के कई सारे अपन आज क्वेश्चन कर चुके हैं। फिलहाल कुछ क्वेश्चन और अपन कर लेते हैं,
यहाँ पे माइनस आया है इस बार, कार्बन आए ना, है ना। थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग करते हैं अभी। हाँ अभी ठीक है ना। कहीं ये सारे फैक्टर आपको कंसीडर करने पड़ेंगे साइमल्टेनियसली, बट हमेशा याद रखो सबसे पहले आप किसको चेक करते हो बेटा, मेसोमेरिक इफेक्ट के बेसिस पे जो आंसर आएगा ना उसको पहले लिख के सेपरेट कर दिया करो, फिर इंडक्टिव इफेक्ट पे कंपेयर किया करो। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन कर पाता है ना। थोड़ा सा मतलब आपने जो भी अभी तक आपने ढंग से समझा होगा तो इस क्वेश्चन को कर पाएंगे आप, नहीं कर पा रहे कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ऑब्वियसली काफी सारे कॉन्सेप्ट हैं इस क्वेश्चन में। तो एबीसी वही सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इसमें। लिख देता हूं ना, ये तो है ए, यह बी और यह है सी, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इसमें। किसका करेक्ट है ना ये मैं बता देता हूं, इसलिए देव का करेक्ट है। कुणाल नहीं, देव का आंसर सिर्फ करेक्ट है अभी तक। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये मतलब आपसे एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि भाई कर पाएंगे ना, क्योंकि कई सारे साइमल्टेनियसली इसमें इफेक्ट काम करे। अभी आप इन तरह के क्वेश्चन को बेटा नेक्स्ट क्लास में आप कर पाओगे ना, तो आपको करना क्या है उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे आप। ठीक है तो डीपीपी को इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको सोल्व करके कल आप आइए, है ना। तो फिर अपन कल भी इसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे, अपन नेक्स्ट लेक्चर में भी सिर्फ अपन को क्वेश्चन ही करना है। ठीक है और जेई में हो या नीट में हो यहीं से क्वेश्चन भी आना है, है ना, क्यों कई सारे हमें इफेक्ट साइमल्टेनियसली कंसीडर करने होते हैं और जेई में सिर्फ उसी तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है वो, या नीट में भी। कुणाल करेक्ट है नहीं, ठीक है ना। चलो देखो अभी क्या स्टेप फॉलो करना है, सिर्फ इतना सा याद रखो ना, ज्यादा कुछ क्यों सोच रहे हो कि हमें इतनी सी बात तो पता है कि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है और ये मतलब मेटा पे नहीं है ना। पहले मेटा पोजीशन को देख लिया करो कि मेटा पे तो कोई भी नहीं है, नहीं तो यहाँ पे तो ये तो अपना क्या करेगा, प्लस एम शो करेगा, है ना। ये क्या करेगा बेटा अपना, प्लस एम शो करेगा। सी एन, सी एन क्या करता है बोलो, माइनस एम। और सी एस थ्री, सी एस थ्री के पास लोन पेयर वगैरह तो कुछ होता है नहीं, ये तो क्या करता है सिर्फ प्लस आय करता है। अब यहाँ पे खुद से समझना, देखो रटना भी नहीं है ना, प्लस एम तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे और माइनस एम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। यस, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, तो अगर नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन चले गए दूर, जैसे कि इस वाले केस में हो रहा है, माइनस एम से तो कम क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं, तो कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा, कम हो जाएगा ना इस केस में, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहां पे शिफ्ट हो चुके हैं, सीएन के पास। बट इसमें तो उल्टा हो रहा है ना, इस एनएच टू ने तो इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो इलेक्ट्रॉन जब लूज किए तो घूम फिर के इसके पास पहुंचेंगे, तो इसका जो चार्ज है वो तो बढ़ गया, बट इस वाले केस में तो चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है इसको छोड़ो फिलहाल, इसको तो कंसिडर ही नहीं करेंगे अपन, क्योंकि ये तो इंडक्टिव इफेक्ट है ना। तो हम ऐसा बोल सकते क्या, ए और सी में पहले देखो, ए और सी में, तो ए में तो चार्ज बढ़ा रहा है NH2, और सी में CN ने चार्ज को क्या कर दिया, कम, क्योंकि ये तो माइनस एम है। तो हम बोल सकते क्या कि सी में चार्ज हो गया कम तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो यानी कि सी का स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा किससे, ए से। तो अब मतलब सी ज्यादा स्टेबल होगा, सी क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सीधा सा फैक्टर था, इसमें माइनस एम कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा यहाँ पे, कम। इसमें तो प्लस का एम कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा यहाँ पे, बढ़ेगा। अब खास बात क्या है,
ये जो CH3 है ये भी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, पंप कर रहा है ना। अभी समझना है यहाँ पे बच्चा, इलेक्ट्रॉन पंप कर रहा है क्योंकि ये तो प्लस आय करेगा ना। तो यहाँ पे भी अच्छा, जब इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पहुंचे इधर से तो इसका नेगेटिव चार्ज भी क्या होगा बच्चा, बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखो, इसमें तो चार्ज कम हुआ था ना, अब इन दोनों में बढ़ रहा है, यानी कि हमने C को तो सेपरेट कर दिया कि चार्ज कम तो सबसे ज्यादा स्टेबल, तो C को तो सबसे पहले मैंने लिख दिया। अब इसमें भी चार्ज इंक्रीज हो रहा है और इसमें भी चार्ज इंक्रीज हो रहा है, मतलब दोनों के दोनों अनस्टेबल हो रहे हैं। ये प्लस M से अनस्टेबल हो रहा है और ये प्लस I से अनस्टेबल हो रहा है। अब ज्यादा अनस्टेबल कौन हो गया इसमें, तो ज्यादा अनस्टेबल हो गया इसमें फर्स्ट। क्यों? कि मीजोमेरिक इफेक्ट तो ऑब्वियसली ज्यादा इफेक्टिव होता है प्लस I से, तो ये बात तो यहां पे भी वैलिड है बच्चा। ऐसा थोड़ी है कि कार्बन आयन आ गया तो हमने चेंज कर दिया, नहीं, ये बात तो यहां पे भी वैलिड है। यानी कि यहां पे जो प्लस आई है, सॉरी प्लस एम है, वो ज्यादा इफेक्टिव है इसके प्लस आई से। प्लस एम से यानी कि जो चार्ज इंक्रीज होगा वो काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्लस आई, तो चार्ज काफी ज्यादा इंक्रीज, इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। तो इसीलिए जो है सी को लास्ट में भेज देंगे किससे, बी से, है ना। समझा गया क्या क्या लिखा अपन ने? सी में तो क्या हो रहा है बेटा, माइनस एम। इसमें क्या हो रहा है, प्लस एम। इसमें क्या हो रहा है, प्लस आई। देखना यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसकी लैंग्वेज भी लिख देता हूँ। माइनस एम ने तो क्या किया, कार्बन आयन को स्टेबल किया। इन दोनों ने क्या किया था, इसने भी अनस्टेबल किया था उसको, और इसने भी क्या किया, कार्बन आयन को अनस्टेबल किया, ठीक है। तो इसलिए सी को तो हमने ऐसे सेपरेट कर दिया था। अब ये भी अनस्टेबल है और ये भी अनस्टेबल है, बट ये ज्यादा अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि मीजोमेरिक इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव होता है किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से, तो ये ज्यादा अनस्टेबल करेगा, इसीलिए हमने लास्ट में रखा इसको, ठीक है क्या? ठीक है, तो फिर अपन इसको कंटिन्यू करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट है बच्चा आज की पूरी क्लास में आराम से पूछ सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन नंबर भी पता होंगे, 5 क्वेश्चन तो ये और 7-8 क्वेश्चन अपन ने पहले वहां पे गए, ठीक है। ओरली पूछ सकते हैं, आपको कोई भी डाउट है यहाँ तक आज के लेक्चर में पूरा।